सो हाय एवरीवन, तो स्टूडेंट्स आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी पीजीटी पेपर वन में जितनी भी अभी तक जो शिफ्ट्स हुई हैं, राइट, मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। जैसे हमें पता है कि इसमें हिंदी का एग्जाम हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है, और इसमें आपका इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है पीजीटी का, राइट, और इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ये एग्जाम्स अभी तक हम देख चुके हैं, राइट। और फर्दर जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं तो उनको एक उनकी हेल्प के लिए एक ये हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश सेक्शन, राइट। तो पेपर पीजीटी पेपर वन में जो आपका 50 मार्क्स का रहता है, राइट, तो उसमें बेसिकली जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम सभी शिफ्ट्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। कि हिंदी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चंस जो इंग्लिश के आए थे उनकी क्या डिस्कशन बनेगी, राइट। तो इसको आप देखते चलें, मे बी जिन बच्चों के भी एग्जाम होने हैं तो उनको इससे कुछ हेल्प होगा। देखो रेपिटेशन तो होता नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये इनमें से कोई क्वेश्चन वहां पे आएगा, राइट, बट चलो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ा बहुत रीजन आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, राइट। तो एचपी पीजीटी पेपर वन ऑल शिफ्ट के जितने भी ये एग्जाम्स हुए हैं, राइट, तो इसमें हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी पेपर वन All shifts English section discussion, right? तो questions को देखते चलेंगे और जहां पे explanation बनेगी वो मैं explain करूंगा। कोई question देखो different questions की different वो होता है उसका basically जो उसकी discussion बनती है। कई questions ऐसे होते हैं जिसमें discussion थोड़ी ज्यादा बनती है, कुछ questions जो है directly भी हो जाते हैं, है ना, तो वो देखते चलेंगे। तो question number वन, सबसे पहले हम PGT हिंदी paper वन, जो हिंदी का जो paper हुआ था, right? PGT paper वन, तो उसमें जो है इंग्लिश का जो सेक्शन था हिंदी वाले एग्जाम में, क्योंकि हिंदी वाला जो एग्जाम है सबसे पहले हुआ था अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हिंदी का एग्जाम सबसे पहले हुआ था, इसके बाद फिजिक्स का हुआ था, राइट। तो सबसे पहले हम हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे तो बोल रहे डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 11 से 12, मतलब ये पेपर में जो क्वेश्चन नंबर थे मैंने वही एज इट इज उठा रखे हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी 11th नंबर क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट थी, तो उसमें 11 नंबर जो सवाल था वो था जयवीर फेल डैश द चेयर, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो बी और डी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाती हैं, ये तो नहीं आएंगी, बच्चा डिटरमाइन कर लेता है, लेकिन हो सकता है कि जिस बच्चे का थोड़ा बहुत ग्रामर पुअर है तो वो शायद ए ऑप्शन के साथ जाए यहाँ पे कि फेल फ्रॉम द चेयर होगा, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा सा सही जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, राइट, फेल ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेसिकली। और वैसे अलग से भी बता देता हूं आपको, ये जो ओ डबल एफ होता है ये बेसिकली क्या रेफर करता है, ये सेपरेशन को बताता है, ठीक है। जब कोई चीज सेपरेट होती है, शी फेल ऑफ द ट्री, शी फेल ऑफ द चेयर, तो वहां पे हम जुदा होने की सेंस में, सेपरेशन की सेंस में ओ डबल एफ प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं, और फेल ऑफ एक आपकी फ्रेजल वर्ब भी होती है कि वो चेयर से गिर गई। तो राइट जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी था। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मीन्स 12th नंबर, दैट इज वन शुड डू डैश ड्यूटी। सो वन शुड डू डैश ड्यूटी, तो वन का आपको यहाँ पे फंक्शन पता होना चाहिए। वन को हम इस सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो जब हमें पता है कि एक टेबल बनता है प्रोनाउन के अंदर जिसमें सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर पोजेसिव आता है, फिर रिफ्लेक्सिव आता है, राइट। तो जैसे वन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वन ही होता है, इसका जो पोजेसिव होता है वो वंस होता है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो वन सेल्फ होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वन आ रहा है तो हम इसके साथ हिज के साथ तो नहीं जाएंगे, देयर के साथ भी नहीं जाएंगे, ऑलवेज बिल्कुल गलत है। तो वन का जो राइट पोजेसिव केस बनेगा दैट इज वंस, राइट। सो वन शुड डू वंस ड्यूटी, सो वन का पोजेसिव वंस होगा, ही का हिज होगा, ही शुड डू हिज ड्यूटी, दे शुड डू देयर ड्यूटी। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें केस को अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ वन है तो वंस आएगा, तो राइट आंसर इसका ए था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 to 14, directions for each, for question 13 to 14, in each question select appropriate word that is opposite in meaning to the underlined word. So means आपको यहाँ पे एक opposite word उल्टा antonyms देना था। Ajay's first lecture in the class was a fiasco. ये vocabulary का question था, तो आपको यहाँ पे opposite word बताना था fiasco का, right? तो fun होता है, पहले तो आपको इसका meaning पता होना चाहिए। तो इस word का जो meaning होता है वो होता है failure, ये इसका जो मीनिंग होता है स्टूडेंट वो होता है फेलियर, राइट। तो राइट जो इसका आंसर जाना था दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस, तो सी इसका राइट आंसर बनता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम्स
इज कंपैशन। कंपैशन होता है बेसिकली पिटी, किसी के ऊपर दया करना, है ना। तो कंपैशन मीन्स करुणाजनक बिहेवियर, कंपैशनेट, शी इज वेरी कंपैशनेट इन नेचर, राइट। मतलब वो बड़ी पिटी, दया करती है दूसरों के ऊपर। तो हमें तो यहाँ पे ऑपोजिट बोला है ना, हमें ऑपोजिट देना है। तो सिंपैथी, एम्पैथी, ये नहीं होंगे। राइट आंसर होगा इंडिफरेंस, राइट। तो इंडिफरेंस यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। टू द 15th, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द पार्ट विच हैज एन एरर, राइट। तो यहाँ पे एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। वो रे द इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंस चल रहा है स्टूडेंट, वो चल रहा है पास्ट, क्योंकि रिवील्ड यहाँ पे आ रहा है। सो रिवील्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट टेंस के साथ जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो आंसर बनेगा सी, यहाँ पे हैव बीन की जगह आ जाएगा इट शुड बी हैड बीन। राइट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इट शुड बी हैड बीन, क्योंकि पास्ट का जो कनेक्शन है वो पास्ट के साथ ही बिठाया जाएगा। तो राइट यहाँ पे सी ऑप्शन है, दैट वुड बी द फ्रॉड केसेस हैव बीन, गलत है यहाँ पे। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, द अबव स्टेटमेंट इन पास्ट टेंस, हेंस द राइट आंसर इज सी, इन प्लेस ऑफ हैव बीन इट शुड बी हैड बीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 भी एरर ओमिशन का था। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फॉरसीन बाय द ऑफिसर्स, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि प्रेपोजिशन यहाँ पे ऑफ आ रही है। प्रेपोजिशन से पहले हम जानते हैं कि प्रेपो से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर सब्जेक्ट हमारा जो है कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल नेचर का। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नेचर का है तो इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल नेचर की ही लिखी जाएगी ना, है ना। ये तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट हुआ था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। इफ द सब्जेक्ट वुड बी सिंगुलर वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट वुड बी प्लूरल वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर वर्ब। सॉल्यूशन पढ़ लें, ठीक है। तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, दैट इज द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, हेंस the option means C option is wrong here, in place of was it was not it should be were not। तो यहाँ पे was not नहीं आएगा, यहाँ पे were not आएगा, ठीक है, were है। Directions for question 17-18, fill in the blanks with the correct one word substitute। Substitution एक statement के लिए एक ही word होता है। The medicine prescribed by the doctor is considered to be the dash cure for all diseases, right? तो यहां पे भाई पेनेशिया आंसर आ जाएगा। एक ऐसी दवाई होती है जो सब बीमारियों का इलाज करती है, जिसको हिंदी में रामवाण भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, रामवाण, राइट। सो अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस इज कॉल्ड पेनेशिया। सो राइट आंसर 17 का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो बुक जो लवर होते हैं उनको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, राइट। राइट आंसर इज डी। उसके बाद 19th क्वेश्चन था, इसमें आपको इडियम्स फ्रेजल वर्ब के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो हर्क्यूलन टास्क का यहाँ पे आपको एक मुहावरा था, उसका एक मीनिंग देना था। तो हर्क्यूलन टास्क एक ऐसा टास्क होता है विच रिक्वायर्स अ ग्रेट एनर्जी, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, मीन्स डिफिकल्ट टास्क को बोलते हैं, राइट। उसके बाद 19th का जो राइट आंसर था वो डी था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन था फेयर एंड स्क्वेयर। सो फेयर एंड स्क्वेयर 11th से लेके 20 तक के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वेयर का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ऑनेस्टी के लिए एक और वर्ड भी होता है अपराइट, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा था हिंदी वाला सेक्शन स्टूडेंट्स, हिंदी के 10, मतलब हिंदी के जो पीजीटी पेपर 1 था उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन था, इसके 10 क्वेश्चन थे 11 से लेके 20 तक, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के बाद जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था फिजिक्स का, राइट। तो इंग्लिश सेक्शन देखेंगे कि पीजीटी पेपर 1 फिजिक्स का जो हुआ था उसमें जो है इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन थे वो कैसे कैसे थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। अब देखो सिंपल सी बात है, ही के साथ टू तो नहीं आएगा, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। ही के साथ चलो मान सकते हैं गोज तो ठीक है, लेकिन नो वन में क्या होता है, नो वन में भी आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, नो वन में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आता है। ये जो नो वन होता है, एवरी वन होता है, सम वन होता है, एनी वन होता है,
जिनके पीछे वन आता है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, नो वन, एनी वन, सम वन, है ना। फिर बडी भी आता है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। अब पीछे तो चलो मान सकते हैं कि यहाँ पे गोज लगा रहा है, लेकिन नो वन के साथ गो नहीं आएगा ना, फिर ये गलत है। तो ही यूजेस टू गो एवर गॉन डजंट मेक सेंस, सी आंसर। सो ही कैन गो वेयर नो वन हैज गॉन, देखो यहाँ सिंगुलर लगा रहा है नो वन के साथ, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश ऑफ फ्रांस। अब देखो टीचर ने बताया था कि पेरिस, अब हम जानते हैं आर्टिकल्स तीन होते हैं ए एंड द, तो जब हम कोई स्पेसिफिक बात करते हैं तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट। तो वहां पे ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद द प्रोजेक्ट राइट नाउ, सॉरी एवरी टाइम, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद द प्रोजेक्ट एवरी टाइम, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। तो मैं आपको बता दूं पहले तो इन दो इट्स का डिफरेंस क्या होता है। ये जो ये वाला इट्स होता है स्टूडेंट, एक्चुअली ये पहला जो इट्स होता है ये सब्जेक्ट होता है, सॉरी ये सब्जेक्ट होता है। दो इट्स होते हैं, एक इट होता है ये सब्जेक्ट है, इसका अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी इट ही रहता है। इसकी जब हम पॉजेसिव की बात करते हैं प्रोनाउन के अंदर, जैसे वन वन वंस था, तो इसका जो पॉजेसिव होता है ना वो इट्स होता है, और इसके अंदर के कॉमा नहीं आता, तो ये इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कोई होता नहीं है, राइट। तो ये पहला ऑप्शन कटा और ये तीसरा भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हम इट्स इट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इट के लिए इट्स नहीं लिख रहे आगे, राइट। बल्कि जो ये दूसरा जो इट्स होता है, ये जो जिसके मिडल में कॉमा भी आता है ना, आपने देखा होगा कई बार हम इट्स को ऐसे लिखते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है। अब इसके तीन मीनिंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसका पहला मीनिंग इट इज भी होता है, इसका दूसरा मीनिंग इट वॉज भी होता है, और इसका तीसरा मीनिंग इट हैज बी। इस इट के, इस इट्स के तीन मीनिंग होते हैं। तो यहां पे पहली बात तो दो ऑप्शन इट्स की वजह से ड्रॉप हो जाएंगे। अब आप देखेंगे आगे, ये ए और सी तो गया, बी और डी क्या देखे, यहाँ इट्स लिख रहा है, यहाँ इट्स लिख रहा है, यहाँ वॉट लिख रहा है, वॉट लिख रहा है, यहाँ एग्जैक्टली लिख रहा है, एग्जैक्टली लिख रहा है, यहाँ हैपन्स लिख रहा है, यहाँ हैपन लिख रहा है। अब इसकी वजह से यहाँ पे एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन, दो तो हमने इट्स की हेल्प से ड्रॉप कर दी, उनके बारे में हम सोचेंगे नहीं। अब बी और डी में सोचेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब तीन लेटर यहाँ पे सेम है, फोर्थ लेटर में गड़बड़ है वर्ब के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर प्रोजेक्ट, आर प्रोजेक्ट मतलब सिंगुलर है, आर प्रोजेक्ट, आर क्लास, आर टीम, आवर टीम इज वेरी स्ट्रांग, राइट। तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे ना, तो सिंगुलर लगाएंगे तो आंसर बी होगा, डी गलत, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो ये कौन बंदा होता है भाई, अकनोजियर इज वन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। एक्चुअली ये वो पर्सन होता है जिसको आर्ट्स वगैरह की बहुत नॉलेज होती है, राइट। तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं बी सी डी ये सारी गलत है, राइट आंसर बनेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। राजू सेज टू सुनीता, आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब राजू सुनीता से कहता है, पहली बात तो ये जो चीज है ये हमारी प्रेजेंट में, ठीक है। तो कभी भी जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर प्रेजेंट में हो तो आगे टेंस नहीं बदलेगा। अब यहां एम का वॉज कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये पहला रॉन्ग, ये पहला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहां एम का वॉज कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे एम का हैज प्लान्ड कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर है सी। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो अगला जो टेंस होता है वो नहीं बदला जाता है, तो आंसर यहां सी बनेगा, राइट। कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ, सूरज आस्क्ड मी, तो आंसर लग गया ऑलरेडी, इफ आई हैड वॉच द लेटेस्ट मूवी। अब ये ऑलरेडी इन्होंने ऊपर लिख के दिया हुआ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इन एग्जाम्स के अंदर। इसमें इसने लिखा हुआ डायरेक्शन में कि भाई इसकी डायरेक्ट फॉर्म बनाओ, तो इसने दुविधा कोई रखी नहीं आपके लिए कि आपको पहचानना नहीं पड़ेगा कि डायरेक्ट में बनाना है इनडायरेक्ट में बनाना है, क्योंकि उसने डायरेक्शन में ऑलरेडी लिखा था कि भाई डायरेक्ट फॉर्म बनाओ इसकी, तो ऑब्वियस है ये इनडायरेक्ट होगा। अब हैड वॉच्ड गया है तो ये पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट में गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो पास्ट इंडेफिनेट होता है, पास्ट जो इंडेफिनेट होता है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है,
मतलब सेकंड फॉर्म कहीं पे आ गई है या कहीं पे डिड आ रहा है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसको चेंज किया जाता है हैड प्लस वी थ्री में नरेशन के अंदर, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो पास्ट परफेक्ट वाला आंसर यहाँ बी इसलिए करेक्ट था, राइट। आगे चलो, सेवंथ क्वेश्चन, आउट ऑफ डैश विच डैश टू वाय, सो आउट ऑफ द पेन्स, आउट ऑफ द पेन्स चॉइस कर रहा है तो प्लूरल में जाना पड़ेगा, सो आउट ऑफ दीज पेन्स और विच यू वॉन्ट्स, यू के साथ वॉन्ट्स कटेगा, यू के साथ वॉन्ट्स कटेगा, यू के साथ वॉन्टेड पास्ट की बात नहीं हो रही है, सो आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वॉन्ट टू बाय, विच डू यू वॉन्ट टू बाय, आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड वी ऑलवेज प्लेस वर्ब, दैट्स वाई विच के बाद यहां पहले डू आएगा वर्ब, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर एट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, राइट। अब यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, इज रिवॉर्डिंग है ना, ऊपर बोला है पैसिव वॉइस बनाओ, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती है तो हमें कौन सी ऑप्शन ढूंढनी पड़ती है स्टूडेंट्स, बींग वाली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस में बींग लगता है, आई एम टीचिंग यू सो यू आर बींग टॉट बाय मी, सो द मिनिस्टर इज बींग रिवॉर्डेड द टीचर्स, मिनिस्टर थोड़ी कर रहा है, द विनर्स को रिवॉर्ड किया गया ना, सो आंसर यहां पर होना चाहिए आपका, यहां पर आर बींग लिख रहा है, यहां आर बींग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बींग, हाँ यही आंसर होगा भाई, बी गलत नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लगा दिया मैंने, मुझे लगाना था डी, डी गलत है, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बींग मिसिंग है, कट गया, द विनर्स ऑफ दिस ईयर वर पास्ट टेंस में ले गया, जबकि यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पे इज बींग द मिनिस्टर, ये बिल्कुल गलत आंसर इसका बी है, द विनर्स ऑफ दिस ईयर ये ऑब्जेक्ट था, इसको पहले उठाएंगे, द विनर्स ऑफ दिस ईयर ये प्लूरल हो गए विनर्स, तो आर लग गया, बींग आर रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर, आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, रीअरेंज करना था, अब इसका क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आगे पीछे लिखे हुए, अरेंज करने थे एग्जाम में, सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट नथिंग वाज रियली शॉर्टलिस्टेड फॉर हिम माय ब्रदर गॉट, अब ऑब्वियस है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमें इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, राइट, तो सब्जेक्ट इसमें है माई ब्रदर गॉट, माई ब्रदर गॉट, माई ब्रदर गॉट मतलब टी से स्टार्ट होगा, टी वाले तीन ऑप्शन है, बी वाला कट गया, अब टी के बाद देखो, माई ब्रदर गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो माय ब्रदर गॉट के बाद आर आएगा, अब टी के बाद यहाँ पी है, ये गया, टी के बाद यहाँ एस है, ये भी गया, टी के बाद यहाँ पे आर है, तो आंसर डी है, राइट आंसर इसका डी था। पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक दो अनब्रेकेबल पेयर ढूंढने होते हैं जो टूटते नहीं है, ठीक है, अब माय ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम, तो ऐसे कुछ ये बन जाए। आगे देखिए, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड, राइट, इंटरनल अपोजिशन डेब्लिटेटेड, डेब्लिटेटेड था यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड, यहाँ किया नहीं है बाय मिस्टेक, सो डेब्लिटेटेड का आपको यहाँ पे आंसर देना था और इसका आपको एंटोनिम देना था ऑपोजिट, राइट, इसका ऑपोजिट क्या होता है भाई, इसका ऑपोजिट क्या होता है, डेब्लिटेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फीबल, राइट, फीबल बोल सकते हो, डेब्लिटेट के लिए एक और वर्ड आप बोल सकते हो, फ्रेल लिख सकते हैं आप, राइट, आप इसके लिए फ्लिम्सी लिख सकते हैं, आप इसके साथ अटेन्युएट लिख सकते हैं, ये इसके मैं आपको सिमिलर मीनिंग बता रहा हूँ, अपोजिट नहीं बता रहा, और इन सब के लिए एक सिंपल साधारण वर्ड हम लिख सकते हैं वीक, कमजोर होता है डेब्लिटेट, किसी चीज को वीक कर देना, तो आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेंथेंड कर देना, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा फिजिक्स वाला पेपर, इसके बाद फिर शायद मैथ्स वाला पेपर हुआ था या जो भी हुआ था, मतलब ये सारे आठ शिफ्ट जितनी भी हैं वो हम कर रहे हैं, तो थर्ड पेपर के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ, पेपर वन मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे आए थे, राइट, तो पहला सवाल था, बोला यू कैन डू डैश आर सिस्टम डैश नाउ, ठीक है, अब यू कैन डू मोर, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है मच की, मच मोर मोस्ट, तो मोर तो हम तब लगाएंगे जब हम टू पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे राहुल इज मोर हैंडसम देन मोहन, राइट, तो जब व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग्स, तो यहां तो कंपैरिजन है नहीं, सो यू कैन डू व्हाट एवर आर सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया आर गवर्नमेंट, आर सिस्टम, आवर क्लास, है ना, तो ये सारे सिंगुलर सेंस में लगाते हैं, तो आर सिस्टम सिंगुलर है तो अलाउड आ जाएगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, आई हैपन टू मीट डैश इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड डैश ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन डैश एनुअल पार्टी यस्टरडे,
तो यहाँ पे अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है बच्चा एन इंटरेस्टिंग करेगा, लेकिन एन इंटरेस्टिंग कर रहे हो तो फिर परफॉर्मर एक होना चाहिए, तो यहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा है तो एन वाली ऑप्शन उड़गी, आंसर सी है, सम इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन यू से टू मी कॉमन वेटेड कॉमा बिगिन, आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क। अब फिर से वही बात आ गई जो पीछे क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में, यू से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ चल रही है प्रेजेंट टेंस में, से आ रहा है भाई तो टेंस नहीं बदलेगा। विल का वुड कर रहा है कटा, फर्स्ट में विल का वुड नहीं हो सकता, थर्ड में वुड नहीं हो सकता, फोर्थ में वुड नहीं हो सकता, आंसर ए की बी। तो ये तो साधारण सिंपल से पॉइंट से आप पकड़ सकते थे ऑप्शंस को, अगर थोड़ा बहुत आपको नरेशन का आइडिया है तो, राइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जब टेंस देखो तब बदलते हैं जब यहाँ सेड होता है। अगर मैं बोलता हूँ ना यू सेड टू मी, फिर हम वुड के बारे में सोचते, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जब ये पहला जो भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ही सेड टू मी अब टेंस चेंज होगा, He says to me, अब टेंस नहीं चेंज होगा, बस प्रेजेंट में होगा तो टेंस नहीं बदलना होता है, पास्ट यहां से है तो वुड वाली ऑप्शन कटी जाएगी यहां, आंसर एक ही बचा अभी, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, आई वॉज गाइडेड बाय सरोज। अब देखो इन्होंने डायरेक्शन में कितना क्लियर कर दिया और क्या कर सकते हैं ये, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, पेपर सेटर ने बड़ा आसान करके लिखा हुआ कि एक्टिव वॉइस बनाओ। अब फिर भी अगर आप ए ऑप्शन के साथ जा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे फंडामेंटल बिल्कुल जीरो है फिर, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि इसकी एक्टिव बनाओ, इसका मतलब वो सवाल पैसिव में दे रहा है, और इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है कि उसने ऊपर डायरेक्शन में लिख के दिया कि एक्टिव बनाओ या डायरेक्ट स्पीच बनाओ या इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, ऐसा वैसे एग्जाम में मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हल्का था तो इसने डायरेक्टली वहां लिखा भी है कि एक्टिव वॉइस बदलो। आई वॉज गाइडेड, अब वॉज गाइडेड वर गाइडेड लगता है पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट बाय सरोज, सरोज को पहले उठाना पड़ेगा, यहां माई उठा रहा गया। अब was guided है मतलब सिंपल पास्ट में, has guided आने का मतलब नहीं है, were guided आने का मतलब नहीं है, ठीक है, guided me past indefinite, सरोज guides me in, guides me आने का मतलब नहीं है, आंसर बी है। इसका पैसिव बनाओगे तो मी का क्या उठाओगे पहले आई, सेकंड फॉर्म किसमें जाएगी was में, आई वॉज गाइडेड बाय सरोज इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं भाई, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसका पैसिव बनाना है, हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू, इसका जो आंसर है ये पहले मार्क कर दिया यहाँ पे डी, हालांकि ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा मतलब वो था, इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये सारी ऑप्शन अजीब सी बना रखी है इन्होंने। हाउ मेनी बुक्स हैव टू बी सेंट टू यू बाय देम, हाउ मेनी बुक्स आर सेंट टू बी यू बाय देम, हाउ मेनी बुक्स आर यू बींग सेंट बाय देम, मतलब ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, हालांकि ये चौथी भी गलत है, हाउ मेनी बुक्स हैव बीन सेंट टू यू, ठीक है, तो हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू, सो हाउ मेनी बुक्स हैव दे बीन सेंट टू यू होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये इसमें पेपर में इन्होंने दे दिए ही नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ऐसे इसको इसको आंसर बना रहा होगा, है ना, तो मतलब ये हो सकता है आंसर, बट कंप्लीटली ये भी आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें दे का कोई रेफरेंस ही नहीं लिखा है इसमें, है ना, तो यहाँ पे वैसे आंसर हमने फिर डी उठा लिया है, ठीक है, अब आंसर की में इसका आंसर देख लेना आप क्या है, ये क्वेश्चन वैसे ना थोड़ा सा वो है, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है इस सवाल के, मतलब इसके ऑप्शंस क्लैरिटी से कंप्लीटली 100% सही डी भी नहीं है, क्योंकि देनी है इसमें। सिक्स का देखें, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम इन यस्टरडेज पार्टी। अब सबसे पहले जब आप ऐसे सवाल फेस करते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि यार हम कब की पार्टी की बात कर रहे हैं, टाइम को देखो कौन सा टाइम है, पास्ट का टाइम है, पास्ट के साथ तुम आर लिखोगे, पास्ट के साथ तुम हैव बीन लिखोगे, ये ए और बी तो डायरेक्ट कटेंगे। अब यू वर सपोज टू या यू वर सपोज टू, आंसर सी, पास्ट की बात हो रही है तो सपोज टू है, राइट आंसर सी। सेवंथ, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हमें ढूंढना है गलत वाला, राइट, तो मैं बहुत खेला करता था, सही है ये वाक्य, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री, इस जगह पे एक पेड़ हुआ करता था, आई एम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरह के व्यवहार का मैं आदी था, ये भी सही है, ये गलत है, आंसर ये बनेगा बी, यूज्ड टू नहीं होता है, यूज्ड टू होता है हमेशा। एट्थ, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन, कट इन फ्रेजल वर्ब का मैंने बताना था, द डिबेट वॉज गोइंग नाउ वेयर, सो आई हैड टू कट इन विद सम फैक्ट्स, राइट, कट इन का मतलब होता है मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, राइट, एक कट आउट भी होता है ध्यान रखना,
जिसका मतलब डिजर्विंग होता है या वी कैन से सूटेबल होता है, जो चीज सही होती है। तो आंसर इसका ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इंडिकेट द सिमिलर वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द न्यूज ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिसक्वाइटेड मी, डिसक्वाइटेड मी, डिसक्वाइटेड मी, राइट? तो राइट आंसर हो जाएगा वरीड, हमें सिमिलर देना था वरीड। सी। नेक्स्ट टेंथ, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कन्विक्शन। आई हैव फर्म कन्विक्शन। हालांकि जो कन्विक्ट मीनिंग होता है, कन्विक्ट जो है अपराधी होता है, दोषी होता है, राइट? लेकिन यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रस्ट सेंस में चला जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट मतलब फर्म ट्रस्ट की बात कर रहा है, तो आंसर डी है। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री वाले पेपर पे। हिस्ट्री का जो पीजीटी पेपर बना हुआ था उसमें इंग्लिश सेक्शन के क्या क्या क्वेश्चन आए थे भाई। तो पहला क्वेश्चन ये कुछ इस तरह था, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश फुटबॉल डैश नितिन कैन प्ले डैश। सो आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले टू। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड बिकॉज एंड नितिन कैन बी प्ले बिकॉज, ये गलत है, ऑल दो कॉन्ट्राडिक्शन करता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इसका ए था, ए बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका, वन ऑफ स्टूडेंट वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। वन ऑफ द स्टूडेंट, द अम्ब्रेला तो नहीं होगा, ये बी और सी डायरेक्ट कटेंगे, और राइट आंसर यहाँ पे होगा ये डी वाला। देखो होता क्या है कि वन ऑफ के बाद नाउन ये भी आ सकता है, लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, वन ऑफ के साथ जो नाउन होता है वो जाता है हमेशा ही प्लूरल, नाउन प्लूरल, और वर्ब जाती है वन ऑफ के साथ सिंगुलर, ये ध्यान रखना। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, सीमा इनफॉर्म्ड मी। अब कई बार क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखता है, रिपोर्टिंग वर्ब देखो यहां बाद में लिख रहा है। अब यहां पे टेंस चेंज होगा क्योंकि यहां पे हो रहा सीमा इनफॉर्म्ड मी, इनफॉर्म्ड मी मतलब पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया, अब टेंस बदलेगा। अब यहां पे आप देखो आई एम हैविंग, I am having किस में चलेगा, is MR किस में जाता है, was verb में। तो she was having, A ही पहला answer है। यहाँ पे कर रहा है had been, ये tense गलत बदल रहा है, यहाँ पे is having ही लिख रहा है, ठीक है। सीमा से says गलत है, सीमा informed me that I should have, ये बिल्कुल गलत है, answer A है। सीमा informed me, common verb comma को हटा के that आ गया और वहाँ person change हो गया, ठीक है। सीमा की जगह हम she लिख रहे हैं, she was having some food before starting work, right? तो रहा is MR, was verb में जाते हैं, answer A था। Question number fourth, You have been given a prize for your hard work. You have been given a prize for your hard work. अब obvious है यहाँ पे इसने फिर से ऊपर लिखा हुआ है कि active voice में change करो भाई इसको. You have to modify it into active voice, right? अब active voice क्या बनेगी इसकी? अब यहाँ बोल रहा है you have been given a prize for your hard work. अब यहाँ पे a prize has been तो passive बना रहा है, गलत हो जाएगा. मतलब इसने थोड़ा सा यहाँ concept ये बनाया कि इसने end में by them नहीं दिया है. By them इसने छुपा दिया, right? By them end में होगा तभी तो यहाँ पे they उठा रहा है ना। अब they gave you, have been, gave you के साथ बनेगा ना जी, are giving के साथ बनेगा बिल्कुल भी नहीं, answer है D, they have given you a prize for your hard work। अब इसका passive बनाएंगे तो you पहले उठा दिया, you के साथ हम लिखेंगे have been given a prize for your hard work, ऐसे बन जाए, answer D था। Question number 5, choose the correct passive voice for the given sentence. They are going to order food from outside. अब इस सेंटेंस में बच्चा यहाँ पे हो सकता है कि इस वाक्य को अज्यूम कर ले कि सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाक्य है, और हो सकता है कि बच्चा यहाँ पे बीइंग के साथ जाए, ए ऑप्शन के साथ। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये एक पैसिव वॉइस के अंदर गोइंग टू वाली टाइप होती है, राइट? और गोइंग टू वाली टाइप का रूल ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट फूड है इसमें ऑब्जेक्ट, राइट? तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट पहले उठाते हैं, फिर हम इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी अपनी वर्ब को पुट कर रहे हैं, करना पड़ता है हमें। अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से लगाना है, अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस चल रहा है तो आपको इज एम आर लगाना है, अगर पास्ट में वाक्य है तो आपको वॉज वर लिखना होता है, राइट? फिर आपको बीइंग लिखना होता है, फिर आपको बी थ्री लिखनी पड़ती है, फिर आपको बाय लिखना पड़ता है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता। अब फूड आपने पहले उठाया, फूड इज बीइंग, ये तो बिल्कुल कटेगा, बीइंग तो आता ही नहीं इस टाइप में अंदर। फूड वाज, यहां टेंस बदल रहा है या प्रेजेंट चल रहा है या पास्ट में चला गया। फूड इज टू बी ऑर्डर्ड, ये बिल्कुल ही गलत है। सो फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय देम, ऐसे फूड ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी,
फूड सिंगुलर है, सो इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय देम, ऐसे बने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कन्वर्सेशनल था एक, अनु वाई डैश अर्ली यस्टरडे, सो वाई यू हैव टू लीव द पार्टी यस्टरडे, वाई हैड यू टू लेफ्ट द पार्टी, ठीक है, वाई डिड यू हैव टू लीव द पार्टी। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखे पीजीटी पेपर्स में, सभी शिफ्ट के अंदर ये टाइम वाले क्वेश्चन बड़े हैं। जब भी यस्टरडे आ रहा है, जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर आता है, लास्ट वीक आता है, लास्ट मंथ आता है, लास्ट वीकेंड आता है, यस्टरडे आता है, राइट, तो स्टूडेंट्स हमेशा सिंपल पास्ट लगाया करो। इन सारे शब्दों के साथ, इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा ही आपको जो टेंस लिखना होता है स्टूडेंट्स, वो लिखना होता है बेसिकली सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड, तो हैव हैड आने का तो मतलब ही नहीं, आंसर सी है, राइट। डिड सिंपल पास्ट होता है, डिड भी वी टू होती है डू की, डू डिड डन। सो व्हाई डिड यू हैव टू लीव द पार्टी यस्टरडे, ऐसे बोलेगा ना, बोलेगा ना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव डिड प्लस, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, सिंपल है, दीज फ्लावर्स आरंट फ्रेश, राइट, स्पीकर यहाँ पे नेगेटिव में बोल रहा है आरंट फ्रेश, तो जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव माइनस में होती है, जब भी आपका वाक्य माइनस में होता है तो क्वेश्चन सवाल प्लस में बनता है, स्टेटमेंट प्लस में होती है तो क्वेश्चन माइनस में बनता है, तो आरंट का यहाँ पे बन जाएगा आर दे, खत्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द टीचर वॉज वेनरेटेड फॉर हर सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क। सेंटेंस का आप भाव देखें, पढ़ें, सेंटेंस भी दे रहा है, वेनरेटेड का मीनिंग होता है मतलब उसको जो है रिस्पेक्ट दिया गया, तो मोटिवेट किया गया, नहीं जी बिल्कुल गलत है, रेवर्ड इसका राइट आंसर है, इसका मतलब होता है मीन्स रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, रेवर्ड इज टू रिगार्ड और रिस्पेक्ट, तो आंसर इज सी। इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई नीडेड टू क्लीन द टेबल, इसमें आपको बताना है गलत वाक्य क्या है, तो हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ टू नहीं लगता एज ए मॉडल, तो पहला गलत हुआ। आई हैव टू गो टू द मार्केट, देखो लास्ट वीक आ गया, फिर से यहाँ हैव टू गो लगा रहा है, गलत हो गया। दूसरा और चौथा इसमें ठीक है, पहला और तीसरा इसमें गलत है, ठीक है, सेकेंड फोर्थ करेक्ट है इसमें, फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड में पास्ट की बात कर रहा है, लास्ट वीक की, हैव टू लिख रहा है तो रॉन्ग है, नीड नॉट के साथ एज ए मॉडल टू नहीं लगाते हैं तो रॉन्ग है, यहाँ पे देखो टू नहीं लगा रहा है तो ये सही है, यहाँ पे इट्स गेटिंग लेट आई विल हैव टू लीव नाउ, राइट, मुझे अब जाना होगा, तो ये सही है, तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10th, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर बनेगा, लॉन्ग कोविड दे आर इम्यून, That when people recovered from system also improved, research study shows. तो long COVID they are immune. तो इसका right answer क्या बनेगा students? Option number B. P से start होगा. Research study shows. Long COVID they are immune. R. P के बाद R आएगा. That when people long COVID they are immune. That when people नहीं यार पी से बनेगा रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल एस रिकवर्ड फ्रॉम लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम आल्सो इंप्रूव्ड, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉमर्स के ऊपर, कॉमर्स का जो पेपर हुआ था ये 12th ऑफ मे को हुआ था, इंग्लिश सेक्शन हम इसमें देखेंगे, तो पहला सवाल था मनीता डैश हिंदी, मनीता कैन स्पीक हिंदी बट शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर ए, आसान थे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, स्पीक मनीता सिंगुलर है तो यहाँ पे स्पीक्स होना चाहिए था, यहाँ स्पीक्स है तो ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, बट वो फ्रेंच नहीं बोल पाती। सेकंड, सो ऑफ माय थ्री कजन्स द यंगेस्ट, अब सबसे पहले यहाँ डिग्री चेक कर लो, सुपरलेटिव लगा रहा है, द कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, दूसरी ऑप्शन में द नहीं आ गया, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है विद नहीं आएगा यहाँ पे, सो ऑफ माई थ्री कजन्स द यंगेस्ट हैजंट गॉट अ जॉब एट द मोमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Come to the next. ठीक है, रवीना has declared, I am practicing yoga every day. तो रवीना has declared that she is practicing. Has declared present में चल रही है reporting verb, तो tense नहीं बदलेगा, had नहीं हो सकता, ठीक है,
हैज नहीं हो सकता, प्रैक्टिस नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. रवीना हैज डिक्लेयर्ड दैट शी इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे. एसेप्टिंग राइट आंसर बी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट ढूंढो. द केबल सीम्स टू बी कट बाय अ ब्लेड. देखो बाय अ ब्लेड गलत है, ठीक है, बाय अ ब्लेड गलत है. कट विद अ ब्लेड द टेबल, सॉरी द केबल सीम्स टू बी कट, या द केबल सीम. अब केबल सिंगुलर है तो डी भी गया, आंसर है सी. केबल है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम कभी भी जो है बाय का यूज नहीं करते, विद का यूज करते हैं. कट विद अ नाइफ, आई कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, विद अ स्टिक, विद अ ब्लेड, लाइक दिस. आंसर सी. क्वेश्चन नंबर फाइव. His rash behavior surprised me. Tense है ये, past tense, past indefinite. So I was surprised at his rash behavior. D. D answer. Sixth देख लेंगे. Sixth. Two brave girls to go to the tragedy forced everyone. Their places but those kept holding there. तो ये इसका subject है. Tragedy, the tragedy forced everyone. R से start होगा. R से दो ही option है. A और C कट जाएंगी. अब या तो answer B है या तो answer D है. अब R के बाद चेक कर लो कि Q आएगा या R के बाद जो है आपका Q आएगा. R के बाद दोनों ऑप्शन में Q ही ले रहा है तो मतलब R के बाद जस्टिफाइड है, Q ही रहेगा. The tragedy forced everyone to go back to their places. R के बाद आना चाहिए S, मतलब Q के बाद आना चाहिए S. अब Q के बाद यहाँ पे भी S, ये ठीक ले रहा है. इसके बाद P आएगा, P आएगा, T आएगा, T आएगा. R Q S P T, R Q S P T. तो यही इसका आंसर है. Seventh. Walking in moonlight was a quite surreal experience. हालांकि surreal का जो meaning होता है strange होता है, ठीक है. तो क्या answer हो जाएगा इसका? Walking in moonlight was quite a surreal experience, realistic. Right? Right answer हो जाएगा इसमें आपका C. Eighth, his way of handling the issues has become proverbial now. Proverbial होता है famous, जो बड़ा famous होता है, legendary, unconventional, routine, customary. Right answer इसका C. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. बोथ राज एंड अनिल डिड देयर जॉब वेल. राज एज वेल एज अनिल. देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जो बोथ होता है ना इसके साथ कंजंक्शन एंड ही आता है तो हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. तो मतलब पहला सही है, राज एज वेल एज अनिल. तो राज एज वेल एज अनिल डिड देयर जॉब वेल, है ना. यहाँ बोथ के साथ एंड लगा रहा है, ठीक है, तो बोथ एंड तो सही है. राज एज वेल एज अनिल डिड देयर जॉब वेल. सेकेंड भाई सही है, गलत है. अनिल एंजॉयज रीडिंग बुक्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सेकंड के साथ फोर्थ. ये दो गलत है. राज एज वेल एज अनिल डिड. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी एज वेल एज आ रहा है, एज वेल एज तो आ रहा है लेकिन राज इससे पहले क्या आ रहा है? इससे पहले आपका राज आ रहा है. एंड कंजंक्शन है, बोथ के साथ जो एंड लगता है. तो राज एंड अनिल डिड. अब इसमें क्या है, दो बंदे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देर सही है. लेकिन एज वेल एक प्रेपोजिशन होती है, एज वेल राम एज वेल अनिल. तो इससे पहले राज आ रहा है, अब राज बना ही तो यहां पे आएगा हिज. राइट, तो मतलब सेकंड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है. यहां आएगा बिसाइड्स, आंसर डी. ठीक है, सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज पीपल इन हायर एंड लोअर लेवल्स इज कॉल्ड हायरार्की. ठीक है, तो आंसर इसका सी है. इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं जो हुआ था 11 जून को. ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था 11 जून 2024 को हुआ था. इसके इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं. सो व्हेन आई डैश अ चाइल्ड आई डैश टू बी अ सोल्जर. सो व्हेन आई डैश पास्ट की बात कर रहा है, जब मैं एक बच्चा था. यहाँ वॉज आ रहा है, यहाँ हैव कर रहा है, गलत. यहाँ टू बी, ये तो बिल्कुल गलत है. वॉज यूज टू, गलत. आंसर डी. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई एस्पायर टू बी अ सोल्जर. राइट, तो कोई स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है, कोई कैसे हिसाब से गलत है. I have been there many a times, much times. अब देखो times के साथ ना हम many ही लगाते हैं, much times नहीं बोलते. ठीक है, the many time नहीं होता, many a time नहीं होता, many a times होता है. तो answer A है. Question number third, where did they deposit the cash? इसका बनाना था passive voice. Sentence जो दे रखा आपको ये था past indefinite में. Past indefinite में अगर sentence था तो उसकी में हमें was verb में जाना है. Where was, ठीक है, वेयर वॉज द कैश. द कैश इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है. डिड के साथ तो नहीं जाएंगे, इसके साथ हैज के साथ. ये प्रेजेंट की ऑप्शन है, गलत है. आंसर है ए. राइट, उसके बाद नेक्स्ट ए. फोर्थ, प्रीटी सेड व्हेन आई रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. सो प्रीटी सेड दैट द क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड. द प्रीटी सेड दैट द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन शी वॉज रीच्ड, व्हेन शी रीच्ड, सॉरी. आंसर बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा. ठीक है, तो Pretty said that the class has started आने का मतलब नहीं है. ठीक है,
और यहाँ पे सी डी ये सारे गलत है, बी हो जाएगा। पांचवा, मैनेजर, आई डोंट सी मीना हियर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर? सुपरवाइजर, शी हैज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैज टू गो द डेंटिस्ट, शी हैव टू होता नहीं है, शी मस्ट हैज टू बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, आंसर डी, शी हैज टू गो टू द डेंटिस्ट, डी। सिक्स देख लेते हैं, दोज शॉर्ट्स आर वेरी नाइस, नाउ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, नाउ द टैग वुड बी नेगेटिव। अब टैग क्या बनेगा भाई इसका, इसका टैग बनेगा नाइट, नेगेटिव में क्वेश्चन बनेगा तो आर एंड, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, अरेंज करना है भाई, इसका जो राइट आंसर था देख लेना, इसका डी बनता है, चेक कर लेना आप, ठीक है। आई हैव रेड द पैसेज, आई कैन टेल यू द होल थिंग वर्बेटिम। वर्बेटिम का मीनिंग होता है बेसिकली जो हम जिसको हिंदी में बोलते हैं हूबहू, मतलब द टीचर रिपीटेड द लेसन वर्ड फॉर वर्ड, मतलब द टीचर रिपीटेड द लेसन या द स्टूडेंट्स रिपीटेड द लेसन वर्ड फॉर वर्ड। स्टूडेंट्स जो है जैसे टीचर पढ़ा रहा था हूबहू वैसे ही वो उसको लेसन को डिक्टेट कर रहे हैं, तो इसका इसके लिए एक ऊपर वर्बेटिम के ऊपर एक इडियम भी होता है जिसको बोलते हैं वर्ड, इस इडियम को बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, तो इसका इडियम को बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड हूबहू, इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, आई कैन रिपीट एग्जैक्टली एज इट्स रिटन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द स्टोरी इज क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड द नरेशन इज रैदर convoluted, right? तो basically answer हो जाएगा simple, इसका meaning होता है to understand, difficult to understand, तो हमें देना था antonym, तो simple हो जाएगा। Next, tenth, there is a lot of dissent to our proposal, तो opposition, dissent mean opposition। अब हम देख लेते हैं political science के, political science का जो English section था उसके क्या क्या question आए थे भाई, तो पहला question था I used to go to see a movie tomorrow evening, used to past है, tomorrow used to के साथ नहीं आ सकता, कटा, used to होता ही नहीं है, कट गया, I would be go to see a movie, गलत है, बच्चा यहाँ might नहीं लगाता क्योंकि उसको लगता है might भी तो past है में का, लेकिन might जो है future possibility भी होती है, तो कल अगले tomorrow sense में भी बोल रहा है, she might be coming over here, वो शायद यहाँ पे आ रही होगी, तो आप future sense में बोल रहे हो, तो यहाँ पे answer C है, शायद हो जाएगा, ठीक है, तो answer C है इसका। Second, I wore that shirt you had gifted to me. हो सकता है आपके पास बहुत सारे कलर्स की शर्ट्स हों, ग्रीन, रेड, वाइट, लेकिन आपने वो शर्ट पहनी है जो आपने मुझे, मतलब मैंने वो शर्ट पहनी है जो आपने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये स्पेसिफिक कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका राइट आंसर लग चुका है यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ इसमें गलत है, देख सकते हैं आप, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है भाई, ठीक है, क्यों रॉन्ग है, यू के साथ सीम्स लिख रहा है, fourth warrant you the one who visit us regularly, ठीक है, warrant you the one who visit, यहाँ visits आना चाहिए था, या visited कुछ past में आता, जैसे first and second यहाँ पे सही है, third and fourth यहाँ पे गलत है, aren't you the person who visited our school last week, ठीक है, क्या speaker present में बोल रहा है कि क्या तुम वही आदमी हो जो पिछले week हमारे school में visit किया था तुमने, aren't you the one who has invested in business, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। Right, next, fourth, I have been living in Indore for 2 decades, the manager said to his son. So the manager told his son that he, kya ho jayega? That he had been living in Indore. Fifth, Bablu, how is Dhiraj? What is he doing these days? Sonam, Dhiraj has a comfortable job. He doesn't have to hard work. He doesn't have to work very hard. To main aapko bata deta hun, ye typically yahan pe bachcha thoda confused ho sakta hai. यार हार्ड वर्क करूँ ये तो चलो होने नहीं है, डोंट हैव टू, ही के साथ डोंट तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इन दो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि डजंट हैव टू हार्ड वर्क करूँ या डजंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड करूँ। तो मैं आपको बता दूंगी कुछ टर्म्स होती हैं स्टूडेंट, जैसे सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है, जैसे वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है ना, जैसे कट योर हेयर नहीं होता, हेयर कट होता है, उसी तरह हार्ड वर्क होता है, वर्क वेरी हार्ड नहीं होगा, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका राइट आंसर बी है, अरेंज कर लेना, कुछ भी नहीं है ये, राइट। सेवन, दैट इजंट योर हाउस इजंट नेगेटिव, इज इट, बी। आठवां, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ, पैसिव स्टेट बनानी है, जब भी कोई स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है तो पैसिव में लेट की हेल्प लेते हैं, ध्यान रखना,
तो आंसर बनेगा लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड राइट नाउ, आठवें पर, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नाइन्थ, इट वॉज अ डिफिकल्ट डिस्कशन, फाइनली सक्सीडेड टू एलिसिट अ कंक्लूजन, मींस ड्रॉ आउट अ कंक्लूजन। टेंथ का बना दीजिए, द अजम्पशंस प्रेजेंटेड सो फार अबाउट दिस मैटर अपीयर इनकॉन्ग्रुअस, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट। तो अब देख लेते हैं हम इंग्लिश का पेपर लास्ट, हालांकि इंग्लिश का पेपर हमारा जो है 8 जून को हुआ था, इसके बाद ये हिस्ट्री इकोनॉमी वाले हुए, लेकिन बाद में मैंने, ठीक है, ये मैंने सबसे एंड में रखा है इंग्लिश वाला, तो इसको इसके आंसर में डायरेक्ट लगा दिए। आसिस्टर इज टू बी एक्सेप्टेड एज द लीडर, राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आर सिस्टर, हमारी जो बहन है वो सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, रॉन्ग है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी गेट अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क नाउ, ठीक है, तो सम जॉब अ लिटिल जॉब बिल्कुल गलत है। रमन सेज टू हिज ब्रदर, आई कैन कॉल यू टुमारो एज आई एम बिजी नाउ, तो रमन टेल्स हिज ब्रदर दैट ही कैन कॉल हिम, क्योंकि रमन सेज है तो कुड मत करना स्टूडेंट, कुड नहीं हो सकता, कुड गलत है, यहां कुड गलत है, यहाँ पे सेज है तो टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, है ना, यहाँ सेज तो ठीक है लेकिन कोड लिख रहा है तो गलत है, इसलिए आंसर सी था इसका, ठीक है। हिज चिल्ड्रन हैव लुक्ड आफ्टर हिम, सो ही हैज बीन लुक्ड आफ्टर बाय हिज चिल्ड्रन, ही हैज बीन लुक्ड आफ्टर बाय हिज चिल्ड्रन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैज म्यूजिक बीन प्लेड बाय यू इन दिस कंसर्ट, सो हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड, एक्टिव वॉइस बनानी थी इसकी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड म्यूजिक इन दिस कंसर्ट, सो हाउ लॉन्ग वैसे लिखा, फिर म्यूजिक सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लिखा, बीन लिखना पड़ा पैसिव, ये पैसिव स्टेट है, इसका एक्टिव बनाना था, एक्टिव डी बनेगा। आई विल मेक ऑल एफर्ट्स टू मेक अप फॉर, मीन्स कॉम्पनसेट करने के लिए मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा, ये बोल रहा है पर्सन। इसका जो सिक्वेंस है वो कुछ इस तरह से बनना था, ये तो सबसे आसान आया था इंग्लिश में। जीवन हैज शोन वंस अगेन R, why he is considered one of the best players in the world, right? सबसे इजी था इंग्लिश में, ठीक है। आठवां का देख लीजिए, कन्विंसिंग हो जाएगा, persuasive होता है, ability to convince others, pursued करने की एक ability होती है, दूसरे लोगों को convince करने की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर डी था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, दैट इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, That India is the best democracy has proved beyond doubt. ये थोड़ा सा यहाँ पे confusion था, but ये passive state वाला ही answer जाएगा, तो answer इसका C था। Tenth का देख लीजिए भाई, startled का मतलब होता है antonym देना था, मतलब जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तो answer हो जाएगा, मतलब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता हो, ठीक है, तो unaffected इसका right answer था। तो ये हमारे total 8 shifts के questions थे students, ठीक है, इसमें narrations के, voice के, one word substitutions के, हालांकि इन shifts के अंदर हमें एक question missing है, मतलब वो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे इन्होंने, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वाले, तो हो सकता है मे बी कि फर्दर जो अभी एग्जाम्स होने उसमें शायद कोई स्पेलिंग स्पेलिंग के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था, आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।